कृष्णा नदीच्या काठावर बसलेल्या सातारकरांना माझा नमस्कार। सातारा हर देशभक्त के लिए, हर भारत भक्त के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। यहां आपने छत्रपति उदयन राजे भोसले जी को उम्मीदवार बनाया है। मेरे साथी कहते थे कि मोदी जी सतारा आने की जरूरत नहीं, आप बहुत दौड़ धूप करते हैं, नहीं आएगा तो चलेगा। मैंने सामने से कहा, सातारा में भगवा पहले भी लहराता था और लहराता ही रहेगा। मैंने कहा, नहीं भाई, मुझे तो आप सभी परिवारजनों के दर्शन की इच्छा है और मैं आज यहां आपके दर्शन करने आया हूं, आपके आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। और आपने जो भरोसा अपने इस सेवक पर जताया है, उसकी जवाबदारी मेरी है और इसलिए मैं आज यहां आया हूं। और ये जो मैं जोश उत्साह देख रहा हूं, इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आई हैं, यहां से संदेश साफ साफ है और इस जोश उत्साह उमंग ये साफ मतलब है, फिर एक बार साथियों, ये मेरा सौभाग्य है। कुछ बातें याद आ जाती है जब यहां आता हूं तो। 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए घोषित किया, तब तो चुनाव घोषित नहीं हुए थे, लेकिन जब मुझे घोषित गया तो मैं रायगढ़ के किले पर चला गया। और कोई भी काम शुरू करने से पहले मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने ध्यानस्थ होकर उस पवित्र भूमि पर बैठा था और उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज की उस समाधि स्थल से मुझे जो प्रेरणा मिली, जो ऊर्जा मिली, उस पवित्र माटी ने मुझे जो आशीर्वाद दिए, उसी की बदौलत मैं पिछले 10 साल उन्हीं आदर्शों विचारों को जीने का प्रयास करता हूं आपके लिए। कुछ न कुछ करने का प्रयास करता है। साथियों, सातारा ने छत्रपति शिवाजी महाराज के सुशासन को देखा है। सातारा की यह भूमि शौर्य की भूमि है। आज मिलिट्री अपसिंगे गांव हो या सातारा का कोई भी सैनिक परिवार हो,
आत्मनिर्भर होती भारत की सेनाओं को देखकर वो सबसे ज्यादा खुश है। आज हमारी सेना के पास एक से बढ़कर एक मेड इन इंडिया हथियार है। अब आप ही बताइए भाइयों बहनों, ऐसे काम करके मोदी ने जिनकी दुकानें बंद कर दी वो खुश होंगे क्या? वो खुश होंगे क्या? हथियारों के जिन दलालों को कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छी लगती थी, वो कभी भी मोदी की वाहवाही करेंगे क्या? साथियों, मोदी ने सैनिक परिवारों को एक और गारंटी वन रैंक वन पेंशन की दी थी, और मोदी ने ये गारंटी भी पूरी करके दिखाई। कोई कैसे भूल सकता है कि कांग्रेस ने 40 साल तक सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी उससे वंचित रखा। सिर्फ 500 करोड़ रुपए का जहां यानी झुंझुना दिखाकर कांग्रेस कहती थी ओआरओपी लाएंगे, यानी आंख में धूल झोंकने में इनकी ऐसी मास्टरी है, झूठ बोलने में इनकी ऐसी मास्टरी है। आज बीजेपी सरकार ओआरओपी के 1 लाख करोड़ रुपए, अब सोचिए वो 500 का खेल खेल रहे थे, 500 करोड़ का, आज 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अपने पूर्व सैनिकों को दे चुकी है। भाइयों और बहनों, देश 1947 में आजाद हुआ, कांग्रेस ने गुलामी की मानसिकता को फलने फूलने दिया, पूरी दुनिया छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना का लोहा मानती थी। आज भी विश्व में जब भी नौसेना की दुनिया में चर्चा होती है तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया जाता है। लेकिन इतने सालों तक आजाद भारत की नौसेना के झंडे में अंग्रेजों का निशान था। एनडीए सरकार ने, मोदी ने आकर के उस अंग्रेजी के निशान को हटाया, हटा करके रुका नहीं, मोदी ने तय किया कि झंडे का ताकत तब बढ़ेगी कि हमारी नौसेना के झंडे में अब छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतीक को स्थान दिया जाएगा। और दिया, डंके की चोट पर दिया। हमारी सरकार ने मराठा सेनाओं द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक किलों को भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए नामांकन किया है। महाराष्ट्र का लोहगढ़ हो, सिंधुदुर्ग हो, या फिर मराठा सेनाओं द्वारा बनाया गया तमिलनाडु का जिंजी फोर्ट हो, इन सभी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। मराठा विरासत की शान दुनिया में बढ़ेगी तो हम सबको
गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दुनिया में डंका बजे तो गर्व होना कैसे नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को तकलीफ होती है कि मोदी ये सब काम क्यों कर रहा है। साथियों, सातारा ने बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले के सामाजिक न्याय को गढ़ने में बड़ा योगदान दिया है। एनडीए सरकार ने 10 वर्षों में इसी प्रेरणा को सुशासन का आधार बनाया है। आप देखिए, कांग्रेस ने 70 साल में से 60 साल देश पर शासन किया, लेकिन बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। 370 की दीवार बनाई हुई थी, आपके आशीर्वाद से आपके सेवक मोदी ने आर्टिकल 370 को ध्वस्त कर दिया, कब्रिस्तान में गाड़ दिया। मोदी ने आर्टिकल 370 हटाया, आप मुझे बताइए आपको गर्व होता है कि नहीं होता है, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है। 370 हटा करके देश की शान बढ़ी कि नहीं बढ़ी, देश की एकता को ताकत मिली कि नहीं मिली, ये गारंटी मोदी ने आपको दी थी और मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी। अब जम्मू कश्मीर में मैं जरा, जो लोग आरक्षण के नाम पर झूठ बोल बोल करके हमारे देश के लोगों को गुमराह करने में लगे हैं, मैं जरा चुभने वाला एक सवाल उनको पूछना चाहता हूं। इतने आरक्षण के गीत गा रहे हो, क्या जम्मू कश्मीर में रहने वाले आदिवासी, जम्मू कश्मीर रहने वाले दलित, क्या वो आरक्षण के हकदार थे कि नहीं थे? जब देश के दलितों को आरक्षण मिल सकता है, देश के आदिवासियों को आरक्षण मिल सकता है, तो जम्मू कश्मीर में मेरे दलित भाई बहनों को, मेरे आदिवासी भाई बहनों को आरक्षण से वंचित क्यों रखा गया? संविधान वहां पर लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति आप पर हावी रही है। भाइयों बहनों, 370 हटाकर बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया, वहां मेरे दलित भाई बहनों को आरक्षण का अधिकार मिला, आदिवासी भाई बहनों को आरक्षण का अधिकार मिला, ओबीसी भाई बहनों को आरक्षण का अधिकार मिला। वो हक मिल रहा है जो हिन्दुस्तान की हर महिलाओं को मिल रहा है, वह जम्मू कश्मीर में आजादी के इतने सालों के बाद मिल रहा है। भाई और बहनों, हमारी सरकार में ही मेरे देशवासियों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, पक्का घर, बिजली, पानी, अनगिनत सुविधाएं आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मोदी ने अपना पल पल खपाया है। और ये लाभ पाने वालों में ज्यादा कतर कौन लोग हैं? कौन लोग थे जो इन चीजों से वंचित थे? इन सारे लाभ को पाने वाले सबसे ज्यादा मेरे दलित भाई बहन है, मेरे आदिवासी भाई बहन है, मेरे ओबीसी पिछड़े परिवार है। अब बीजेपी एनडीए की सरकार
इन्हें प्राथमिकता देकर काम कर रही है। साथियों, हमारी सरकार ने ही आरक्षण, जो पॉलिटिकल आरक्षण की व्यवस्था है, पहले जब अटल जी की सरकार थी तब उसका कार्यकाल बढ़ा दिया था, और जब मोदी को आपने अवसर दिया, मोदी ने फिर उस कार्यकाल को बढ़ा दिया। ये हमारा कमिटमेंट है। हमने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, लेकिन कांग्रेस के इरादे क्या है ये हमने कर्नाटका में देखा है। क्या कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से मैं आपको जगाने आया हूं भाइयों, ये क्या खेल कर रहे हैं, जरा चौंक जाएंगे आप सुनकर के। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की मनाही करता है। बाबा साहब अंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण की मनाही करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, कर्नाटका में ओबीसी को जो आरक्षण मिला हुआ है 27%, उन्होंने रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया, एक फतवा निकाल दिया, कागज पर थप्पा मार दिया, और रातों रात ओबीसी के हक के जो 27% आरक्षण था उसमें से डाका डाला और अधिकतम उन्हीं को दे दिया। अब कांग्रेस संविधान बदलकर यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले कान खोल करके सुन लीजिए, जब तक मोदी जिंदा है जब तक जनता जनार्दन का मुझ पर आशीर्वाद है, धर्म के नाम पर आरक्षण लाने की आपकी कोशिश, संविधान को बदलने की आपकी कोशिश मेरे जिंदा रहते आप नहीं कर पाओगे, लिख के रखना। साथियों, ये 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सदी है, और मैं स्वयं भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा समर्थक रहा हूं। मैंने सोशल मीडिया का उपयोग हमेशा जनता जनार्दन से जुड़ने के लिए किया है, आपकी इच्छाओं आकांक्षाओं को जानने के लिए किया है। आप तक सरकार का कोई कार्यक्रम पहुंच रहा है या नहीं, उस पर सुधार की गुंजाइश क्या है, ऐसी फीडबैक के लिए मैंने सोशल मीडिया का उपयोग किया है। लेकिन ताजा घटनाएं परेशान करने वाली है। लोकतंत्र प्रेमी हर व्यक्ति को शर्मसार करने वाली है। जो लोग भाजपा से एनडीए से मुद्दों के आधार पर, सच्चाई के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर आमने सामने राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वो अब सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं। हमारी पार्टी के अलग अलग नेताओं की आवाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी खबरों से, ऐसे वीडियो से समाज के अंदर तनाव पैदा करने का षड्यंत्र चल रहा है। देश में अगर शांतिपूर्ण चुनाव चलते रहे तो इनके इरादे
कभी भी सफल नहीं हो सकते। और इसलिए आने वाले एक महीने के अंदर अंदर देश में कोई बड़ी हरकतें करने का इनका इरादा है। और मैं बड़ी गंभीरता से उन पर आरोप लगा रहा हूं, सामाजिक तनाव पैदा करके अनहोनी घटनाएं घटे इसके खेल खेले जा रहे हैं। और इसलिए मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की सातारा की पवित्र धरती से देशवासियों को कहना चाहता हूं, मीडिया के मेरे साथियों को कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की भलाई के लिए, देश में सुख शांति के लिए, देश की एकता के लिए कृपा करके जो भी फेक वीडियो निकलते हैं उनको हम एक्सपोज करें। ऐसे कोई भी वीडियो, कोई भी तस्वीर आपके व्हाट्सएप पर आए तो किसी सोशल मीडिया पर दिखे तो मेरा रिक्वेस्ट है पुलिस को जानकारी दे, उसको फॉरवर्ड करने से पहले सोचिए कहीं वो आपका भी नुकसान कर देगी, क्योंकि कानून बहुत कड़क है। और मैं ही चाहता हूं कि निर्दोष नागरिक इसके शिकार हो जाए। और इसलिए ये फेक वीडियो, इन सब से हमारे समाज को बचाना हमारा दायित्व है। और ऐसे लोगों के विरुद्ध मैं इलेक्शन कमीशन से भी विशेष रूप से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनके ओर के कठोर कार्रवाई करने के लिए कदम बढ़ाएं। सरकार पूरी तरह सच्चाई के साथ रहेगी, ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। साथियों, हमारे यहां कांग्रेस ने स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल बना रखा था कि जिसको बीमारी हो जाती थी वो बदहाली तक पहुंच जाता था। बीमारी को बदकिस्मती मानने के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं था। घर में किसी को गंभीर बीमारी हो जाती थी तो इलाज में खेत खलिहान तक बिक जाते थे, महिलाओं के गहने बिक जाते थे, कई कई सौ किलोमीटर दूर जाना पड़ता था तब जाकर के कोई एक अस्पताल मिलता था। ये हालत बना रखी थी 60-70 साल के कांग्रेस के शासन ने, लेकिन मोदी ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परेशानियों को भाग्य के नाम पर नहीं छोड़ा। मोदी ने हर देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का संकल्प लिया। हमने देश में 20 से ज्यादा नए एम्स बनाए। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए हमने बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज खोले। 2014 में देश में करीब 50,000 एमबीबीएस की सीटें थी, 50,000 डॉक्टर निकलते थे। आज हर साल 1,00,000 से ज्यादा एमबीबीएस डॉक्टर्स पढ़ करके निकल रहे हैं। ये डॉक्टर छोटे शहरों, ग्रामीण इलाकों में भी इलाज का बड़ा माध्यम बन रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए आज गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है। यहां सातारा में लगभग 400 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं। अस्पतालों के बेहतर नेटवर्क के अलावा गरीब और इलाज का बोझ न आए, उन पर मुसीबतें न झेलनी पड़े, ये मोदी ने इसकी गारंटी दी। यहां सातारा में 15 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट से दवाइयां मिल रही है। जो दवाई 100 रुपए की कीमत है वो सिर्फ 20 रुपए में मिलती है। आज करोड़ों लोगों के पास 5,00,000 रुपए मुफ्त इलाज का आयुष्मान कार्ड है। और मैंने एक और गारंटी दी है, आप घर घर तक पहुंचाना। किसी भी परिवार में, किसी भी जाति वर्ग विशेष, कोई भी परिवार, आपके घर में 70 साल की ऊपर के कोई जो भी व्यक्ति होंगे,
अब उनकी बीमारी का खर्चा जो आपको करना पड़ता है, अब वो खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा, ये आपका बेटा मोदी करेगा। यानी कोई गरीब हो, मध्यम वर्ग से हो या उच्च वर्ग से हो, अगर 70 वर्ष से ऊपर का है तो आयुष्मान योजना के दायरे में आएगा और उसको लाभ मिलेगा। भाई और बहनों, सत्ता को अपनी खानदानी जागीर समझने वाले आपकी इस तकलीफ को कभी नहीं समझ सकते। ये चिंता वही कर सकता है जो आपके बीच रहा हो, जिसने आपकी तकलीफों को देखा हो, जिसने आपकी तकलीफों को जिया हो। साथियों, कांग्रेस सरकार का रवैया गरीबों को लेकर क्या होता था, इसका अंदाजा आप उनकी नीतियों से लगा सकते हैं। आज हमारी सरकार 80 करोड़ जरूरतमंदों को हर महीने मुफ्त अनाज देती है, और जब से कोरोना आया तब से चालू किया और आने वाले 5 साल की भी गारंटी दी है, एक भी नया पैसा लिए बिना मुफ्त अनाज देते हैं। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब लाखों टन अनाज सरकार के गोदामों में सड़ता था, पानी में बिकता था, और कांग्रेस सरकार उसे गरीबों को देने को तैयार नहीं थी, मना कर दिया था। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कांग्रेस सरकार अनाज गरीबों में बांटे। लेकिन तब कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा, आपको सुनकर के चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल न दे, यानी अनाज सड़ता है तो सड़े, गरीब भूख से मरता है तो मरे, लेकिन कांग्रेस सरकार गरीबों को अनाज देने को तैयार नहीं थी। ये कांग्रेस की असंवेदनशीलता थी। और इसलिए ही आज जब मैं 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रहा हूं, तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। भाइयों और बहनों, तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुकी कांग्रेस ने एक और बड़ी घोषणा, खतरनाक घोषणा की है। ये कांग्रेस कह रही है, आपके खेत, आपके घर, आपके परिवार में माताओं बहनों के गहने, उनके मंगलसूत्र, कांग्रेस कहती है अब एक्सरे करेंगे। एक्सरे आपके लॉकर में क्या पड़ा है, एक्सरे करके देखेंगे। आपके घर में क्या पड़ा है, एक्सरे करके देखेंगे। यानी घर घर छापामारी करेंगे, और आपकी संपत्ति जब्त करेगी। एक लिमिट से ऊपर आपके पास जो भी है उसको लूटने का कांग्रेस सरकार इरादा रखती है, और उनकी जो खासम खास वोट बैंक है ना, उनको मजबूत करने के लिए उनको बाढ़ देंगे। मैं जरा सातारा के भाई बहनों को पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसा होने देंगे? आप ऐसा होने देंगे? क्या आपको इस प्रकार की नीतियां मंजूर है? ऐसा सोचने वाले लोग देश की राज में होने चाहिए? मोदी का प्रयास है कि देश में हर बहन के नाम पर कोई न कोई प्रॉपर्टी हो, इसलिए घर बहनों के नाम पर दिए जा रहे हैं। जन जन खातों से करोड़ों बहनों को पहली बार बैंक खाते खुले। अब बीजेपी सरकार उसमें सीधा पैसा डालती है। मोदी अपनी बहनों को ड्रोन पायलट बनाने में जुटा है। मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। लेकिन कांग्रेस के साहजादे की चली
तो कांग्रेस माताओं बहनों की कमाई उनके गहनों को भी नहीं छोड़ेगी। साथियों, मोदी का संकल्प हर बहन के घर तक और हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का है। लक्ष्मण राव इनामदार लिफ्ट इरिगेशन स्कीम हो, तराली प्रोजेक्ट हो, टेम्पू लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, वांग इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, ऐसी हर सिंचाई परियोजना महायुति सरकार की प्राथमिकता को दिखाते हैं। आने वाले 5 साल में ऐसे अनेक सिंचाई प्रोजेक्ट हम पर पूरा करेंगे। साथियों, हम खेती में सहकारिता का व्यापक विस्तार कर रहे हैं, इसलिए पहली बार अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। हमारी सरकार ने गन्ने के एफआरपी में रिकॉर्ड वृद्धि की, पहली बार शक्कर की एमएसपी तय की। हमारी सरकार इथेनॉल पर इतना जोर दे रही है, इसका सीधा लाभ गन्ना किसानों को हो रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के करीब 1500 करोड़ रुपए यहां सातारा जिले के मेरे किसान भाइयों के खाते में जमा हुए हैं। साथियों, बीजेपी अपनी विरासत को भी शान से आगे बढ़ाने में जुटी है, इसलिए जो हमारे किले हैं उनको भी सजाया संवारा जा रहा है। यहां कनेक्टिविटी पर बहुत काम हो रहा है। हम यहां जो हमारे आस्था के स्थान हैं, जो धरोहरें हैं, वहां आना जाना आसान बना रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है, 7 मई को हर बूथ पर कमल खिलाना चाहिए, भारी मतदान होना चाहिए। और आपको मैं गारंटी देता हूं, आपका सपना ये मेरा संकल्प है, और आपका सपना पूरा करने के लिए मेरा विजन भी है और जीवन भी उसी के लिए है। 24/7 फॉर 2047, इस मंत्र को लेकर के मैं काम कर रहा हूं। आप घर घर जाइए, मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करिए, ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ पर ज्यादा से ज्यादा वोटिंग, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए गर्मी कितनी ही क्यों न हो, देश के लिए हम समय निकालें, मतदान अवश्य करें। क्या आप मतदान बढ़ाएंगे, घर घर जाएंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे? अच्छा, मेरा एक काम और करेंगे, मेरा एक पर्सनल काम करेंगे आप, जरा हाथ ऊपर करके बताएं तो मैं मानूं। करेंगे, करेंगे? अच्छा, घर घर जाइएगा और कहिएगा कि मोदी जी सातारा आए थे और परिवार के सबको नमस्कार कहा है। मेरा नमस्कार पहुंचा देंगे, हर परिवार में मेरा नमस्कार पहुंचा देंगे। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।